किसी सुसाइड कर लेना चाहिए या फिर कुछ और कर लेना चाहिए, उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कुछ ना हो सके जिंदगी में, कि कुछ ना हो सके जिंदगी में तो ना सोचो कि इस दुनिया से चला जाऊं। कुछ ना हो सके जिंदगी में तो ना सोचो कि इस दुनिया से चला जाऊं। क्यों ना जाने से पहले किसी और की जिंदगी बना जाऊं। क्यों ना जाने से पहले किसी और की जिंदगी बना जाऊं। क्या पता किसी और की जिंदगी बनाते बनाते खुद की जिंदगी बन जाए। क्या पता किसी और की जिंदगी बनाते बनाते खुद की जिंदगी बन जाए। जो हाथ आज किसी चीज को छूने के काबिल नहीं, कल आसमां छू जाए। ओके गाइस, इन्हीं लाइनों के साथ मैं अपनी एक छोटी सी पोइम स्टार्ट करना चाहता हूँ, जिसका टाइटल है मैं कहीं और जा रहा हूँ। तो प्लीज मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, एक बार प्लीज क्लैपिंग कर दीजिए। कुछ छिपाता शायद मुझ में, कुछ छिपाता शायद मुझ में पर मैं ढूंढ नहीं पा रहा था। कुछ छिपाता शायद मुझ में पर मैं ढूंढ नहीं पा रहा था। कोई बदल दे इस दुनिया की सोच को, ऐसी सिफारिश भी मैं अपने साथ लिए जा रहा था। शायद मैं इस गांव को छोड़कर कहीं और जा रहा था। आखिरकार क्या है मंजिल मेरी, ये मैं खुद को भी नहीं समझा पा रहा था। आखिरकार क्या है मंजिल मेरी, ये मैं खुद को भी नहीं समझा पा रहा था। अपनी औकात से ऊपर उठकर कुछ करने की हिम्मत भी मैं जुटा नहीं पा रहा था। अपनी औकात से ऊपर उठकर कुछ करने की हिम्मत भी मैं जुटा नहीं पा रहा था। अपनी हाथों की मिटी हुई लकीरों से भी मैं अपनी किस्मत लिखने जा रहा था। शायद मैं इस गांव को छोड़कर कहीं और जा रहा था। रास्ते में मिलता मुझे कोई इरशाद कहने वाला, रास्ते में मिलता मुझे कोई इरशाद कहने वाला तो मैं उसे भी अपनी कविताएं सुनाते हुए जा रहा था। अपनी कविता में छुपे हुए मैं दर्द को भी समझाते हुए जा रहा था। अरे मेरी तरह ना भटके कोई और मुसाफिर, इसीलिए मैं रास्ते के कांटे भी हटाते हुए जा रहा था। शायद मैं इस गांव को छोड़कर कहीं और जा रहा था। मिट्टी से जो बने थे जज्बात मेरे, मिट्टी से जो बने थे जज्बात मेरे उन्हें भी मैं फोड़ते हुए आगे जा रहा था। मिट्टी से जो बने थे जज्बात मेरे उन्हें भी मैं फोड़ते हुए आगे जा रहा था, उन्हें भी मैं फोड़ते हुए आगे जा रहा था। मेरे दिल में जो भी दर्द था, मेरे दिल में जो भी दर्द था मैं सबको इजहार किए हुए जा रहा था। मेरे दिल में जो भी दर्द था मैं उस सबको इजहार किए हुए जा रहा था। फिर भी पता नहीं क्यों एक चुप्पी सी खामोशी मैं अपने साथ लिए जा रहा था। शायद मैं इस जाव को छोड़कर कहीं और जा रहा था। ओके गाइस, कैसा लगा? पता है यार, जाने से पहले मैं सबके लिए एक बात बोलना चाहता हूँ, कुछ लाइनें अपने शायराना अंदाज के साथ। कि यार कुछ होता है कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, दो चीज़ें होती है जो होनी चाहिए। मैं उनके अपनी शायरी से बताना चाहता हूँ कि कुछ खास नहीं था मुझ में जो दुनिया ढूंढ रही थी, कुछ खास नहीं था मुझ में जो दुनिया ढूंढ रही थी, बस थोड़ी सी काबिलियत और थोड़ा विश्वास था। बस थोड़ी सी काबिलियत बस और थोड़ा विश्वास था, पर शायद ये भी दुनिया के लिए काफ़ी नहीं था, पर शायद ये भी दुनिया के लिए काफ़ी नहीं था। और फिर देखो, फिर मैंने दुनिया बदल डाली। थैंक यू सो मच गाइस।